आज हम आपके पास मैथमेटिक्स का रेशियो का शॉर्ट ट्रिक लेकर आए। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत एसएससी रेलवे बैंकिंग में बहुत सारा क्वेश्चन जो देखने के लिए मिलते हैं। दोस्तों ए रेशियो बी बराबर 2:3 और बी रेशियो सी बराबर 4:5 हो तो एबीसी का मान क्या होगा। तो आइए इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे एक सेकेंड में सॉल्व करते हैं बिना देखे हुए, उसी के विषय में जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखना है जो लेटर है वो लेटर कौन सा कॉमन है। तो यहाँ पर जो लेटर है बी और बी जो है कॉमन है, तो यानी कि यह बी बी जो है दोस्तों कॉमन है। इसका अर्थ क्या हुआ कि इन दोनों में एक ही जैसा वैल्यू होना चाहिए। लेकिन क्या एक ही जैसा वैल्यू है? यहाँ बी का जो वैल्यू 3 दिया गया है और यहाँ बी का वैल्यू 4 दिया गया है, यानी दोनों का वैल्यू एक जैसा नहीं है। तो दोनों को वैल्यू को सबसे पहले एक जैसा करने पड़ेंगे। तो क्या यहाँ पर मान हम प्लेस कर देंगे, और यहाँ पर क्या हम मान प्लेस कर देंगे कि ताकि दोनों का वैल्यू जो है एक जैसा हो जाए। तो यहाँ पर दोनों का वैल्यू को एक जैसा करने के लिए अंदाजी या किसी भी प्रकार का कुछ भी अपने से मन बैठा नहीं सकते हैं। तो उसको बैठाने के लिए क्या करिए, सिंपली यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है, दोनों को एक करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, यह जो संख्या है इससे गुना कर देंगे। तो यहाँ पर 4 3 12 हो जाएंगे, और यहाँ पर जो संख्या है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएंगे 4 3 12। यानी कि हमारा जो है बी का वैल्यू दोस्तों, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी, बी का वैल्यू जो हमारा 12 आ चुके हैं। अब यहाँ पर एक रूल्स है कि अगर किसी अनुपात में रूल्स होता है कि किसी एक संख्या को जिस संख्या से गुना करते हैं उसी संख्या से जितने भी वहाँ पर रेशियो रहेंगे सभी को संख्या के सेम संख्या से गुना करना अनिवार्य। यानी कि यहाँ पर भी 3 से आपको मल्टीप्लाई करने होंगे, तब 3 3 आपका कट जाएगा तो फिर से 4:5 बच जाएगा। यानी कि यहाँ पर रेशियो हो जाएगा यहाँ पर सी का, यहाँ जो सी का वैल्यू है 5 3 कितने हो जाएंगे 15, यानी कि सी का वैल्यू यहाँ पर 15 हो जाए। सेम थिंग्स यहाँ पर जब 4 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी हमको 4 से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किए तो कितने हो गए दोस्तों, 4 3 4 2 8, यहाँ पर हो चुके 8। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ जो अनुपात निकलेगा ए रेशियो बी रेशियो सी का 8:12:15, अगर ये कटने वाली होती तो हम यहाँ पर काट देते, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार कोई संख्या नहीं कटेगी, इसीलिए हमारा जो है दोस्तों यही आपका आंसर हो गया है ना, काफ़ी आसान काफ़ी ईजी। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछे गया है दोस्तों कि यदि ए का 25% बराबर बी का 20% हो तो ए अनुपात बी का वैल्यू ज्ञात करें। ए का मतलब क्या होता है, गुना, कितना परसेंट, 25%, 25% को 25% रहने दे, बट्टा में 100 ना लिखें, फिर बी का 20%, 20% मतलब बी इंटू 20%। अब यहाँ से देखिए रेशियो और रेशियो यहाँ से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से रेशियो रेशियो हमारा कैंसिल हो चुका है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर यह 25 से 5 से काटते हैं, 5 4 20 और 5 5 5 25, यहाँ पर 5 5 25 और 5 4 यहाँ पर 20 हो चुका। यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे ए और इधर यह बी चला जाए, यानी बट्टा में बी हो जाएगा, और यहाँ पर 4 रहेगा और इसके बट्टा में यह 5 चला जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए अनुपात जो बी है वो ए का वैल्यू 4 है और बी का वैल्यू कितना है, 5, यानी 4:5, यही आपका सही आंसर है ना दोस्तों। काफ़ी इंटरेस्टेड काफ़ी मज़ेदार सवालों का मज़ेदार जवाब। आइए कुछ दोस्तों कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन हम आप सभी के पास यहाँ पर लेते आए हैं। आइए इन सारे सवालों का जवाब यहाँ पर ढूंढते और देखते हैं कि इसमें जो है कौन से सवाल किस प्रकार से यहाँ पर जवाब है। तो अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, लिखे गए यदि एक्स अनुपात बी बराबर 3:4 हो तो 7x-3y का मान जो है क्या होगा। तो इसको वैल्यू को ज्ञात करने के लिए, यानी x के जगह पर हमको क्या प्लेस करने होंगे, 3, और y के जगह पर हमको क्या प्लेस करने होंगे, 4। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम प्लेस कर देते हैं दोस्तों 3, और जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ हम प्लेस कर देते हैं 4। तो देखिए यहाँ x है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3 से, और यहाँ y है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, यहाँ x है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, y है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। इस प्रकार से यहाँ रेशियो निकल के आएगा, 7 3 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 21+4 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 12। यह एक का रेशियो हो चुका, फिर दूसरा का 7 3 फिर से यहाँ पर कितने हो जाएंगे,
21 और माइनस हो जाएंगे 4 3 कितने हो जाएंगे 12। अब यहाँ पर जो है 12 और 21 को जब हम जोड़ते हैं, 12 और 21 को जोड़ते हैं तो कितना आता है 33। अब 12 और 21 में 12 चला जाता है तो आता है 9। अब इसको हम काटेंगे 3 से, आपको पता है कि 3 3 कितना होता है 9 और 3 11 कितना होता है 33। यानी कि इन दोनों का जो रेशियो निकल के आया दोस्तों 11:3, ठीक है, यही आपका सही आंसर है। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यदि 3 4 5 एवं एक्स समानुपात में हो तो एक्स का मान ज्ञात करें। समानुपात का मतलब समझिए कि क्या होता है, यहाँ पर 3:4 और ये जो समानुपात, समानुपात को यानी 4 डॉट से बिलोंग करते हैं, दिखाते हैं, फिर 5:x इस प्रकार से कहा जा रहा है। तो इस प्रकार से कहा जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि x का मान ज्ञात करें। तो x का मान ज्ञात करने के लिए सिंपली है कि सिंपल है दोस्तों, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और इन दोनों को आपस में क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका x का मान निकल जाए। यानी कि यहाँ से यहाँ गुना करेंगे तो आ जाएगा 3x, और इस समानुपात का अर्थ होता है बराबर। अच्छा, 5 चौके कितना हो जाएगा 20। इस प्रकार से दोस्तों हम x बराबर कर सकते हैं, हमारा जो आंसर आएगा 20/3 है ना दोस्तों। काफ़ी इजी, काफ़ी आसान रेशियो का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा SSC, रेलवे, बैंकिंग, NTPC, ग्रुप डी, CGL, CHSL, MTS सभी के एग्जामिनेशन में ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए ताकि आने वाला हर प्रकार का वीडियो आसानी से देख पाए। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं कोई एक नई वीडियो के साथ, कोई एक नई जानकारी के साथ।